मून देखिए घास होती है, ये साल में एक बार पैदावार होती है, और ये कच्चा जब आता है तो दशहरा अक्टूबर के समय से दशहरा से और दिवाली तक चलता है, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो जब कच्चा घास आता है तो हम लोग उसको चीर चीर के सब बनाते हैं ऐसे, इस तरह जब इस तरह बना लेते हैं तो इसे हम लोग धूप दिखाते हैं, तब ये सूख जाता है, फिर इसको हम इकट्ठा करके सब एक पुटकी बना देते हैं, फिर इसको रख देते हैं साल भर, इसी से हम लोग अपना कमाना खाना चालू करते हैं। तो जहाँ पे 15 दिन 20 दिन जब आता है समय पे, हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं सर। अब सर ये तो हमारे गांव में 70-80 साल से ये काम चल रहा है, लेकिन इस काम को हम लोग जिंदा रखे हैं, बस काम कराते हैं। तो इस समय 500 कारीगर काम करने वाले हैं महिमा के, लेकिन इस उत्पाद के लिए हमें व्यवस्था अच्छी नहीं मिलती कि हम आगे बढ़ सकें। जो बनाते हैं, जो खरीदते हैं लोगों से, वही व्यापार कर पाते हैं। अगर व्यापार ना, अगर सरकार हमें मौका ना दे मेले ठेले में गवर्नमेंट का, तो हम लोग बेच भी नहीं सकते, इतना माल अब तैयार हो रहा है। उद्योग को वही लोन वगैरह मिलता है, और जिनका हो गया हो गया, और जिनका नहीं हुआ, जो जो इंसान आगे बढ़ना चाहता उसका होता नहीं। अब यही है कि पेट चल रहा है, दाल रोटी, बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बस इतना कमाते हैं, बचा नहीं पाते सर। हम अगर मेले में जाते हैं तो मेले में नई नई चीज़ हमें दिखाई देती है, तो हम सोचते हैं कि अगर इनका माल बिक रहा है तो इसी तरह हम भी अगर बनाएं नया मॉडल, तो हमारा भी बिके, उत्पाद आगे बढ़े, पहले जो पुरानी डिजाइन है उसको छोड़ के नए डिजाइन में आए, जो लोग पसंद करते हैं उसको हम बनाना चालू करें।